इसके आगे रास्ता ही नहीं है। ये रास्ता नहीं है। लाइट स्वर्ग यही है। अरे मिस हो गया। यहाँ से भी आएगा ऊपर। अच्छा हाँ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई आज हमारे साथ। हमें नैनीताल जाना था लेकिन आगे वहाँ पार्किंग ना होने की वजह से 7 किलोमीटर करीबन जाम लग गया है। और देख सकते हैं आप ये कैसा ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे। अभी आज का प्लान चेंज करना पड़ेगा। नैनीताल ना जाके अब हम गोलू देवता मंदिर की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो हमें रूट चेंज करना पड़ रहा है। अभी चाय पाने के लिए रुकना पड़ रहा है। वैसे काफ़ी अच्छी लोकेशन मिल गई है। यहाँ रुक के थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके बाद हम आगे निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जगह हो सकता है कहीं पे यहाँ पे नदी आते हैं। ये हम गोलू देवता मंदिर पहुँच गए हैं। ये गोलू देवता मंदिर की तरफ से नीचे का नज़ारा है। आपको सारा हल्द्वानी दिखता है और काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है ये और काफ़ी ठंडा भी है ये एरिया। गोलू देवता मंदिर को हज़ार घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इन घंटियों को देख के आपको लग ही रहा होगा कि हज़ार घंटियों वाला मंदिर इसे क्यों कहते हैं। यहाँ पे कई हज़ारों घंटियाँ बंधी हुई हैं। ये लोग अपनी मन्नत के लिए इन घंटियों को बांधते जाते हैं। इन घंटियों को बांधते और अपनी मन्नत मांगते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे चिट्ठी भी लिख के लोग टांग के जाते हैं जिसमें उनकी मन्नत लिखी हुई होती है। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है तो अपना न्याय मांगने के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से हम भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे घंटी बांध के जा रहे हैं ताकि गोलू देवता हमारी भी मन्नत पूरी करे। अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ और जो हमारी डेस्टिनेशन है उससे सिर्फ हम शायद 10 मिनट के डिस्टेंस में हैं। अपने घर में जा रहे हैं। ये हमने राशन ले लिया है। इधर खाना खुद बनाएंगे और गाड़ी भी खुद चलाएंगे। कौन सा भाई ये तो बिल्कुल ही एकदम एडवेंचरस कर दिया है। यहाँ गाड़ी खड़ी होगी। इधर तो कुछ आता नहीं ना। बस ऐसे लगा दोगे पीछे करके। और ये आ गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। नेगी गाड़ी पार्क करता हुआ वो घर है। इसके आगे रास्ता ही नहीं है। अबे मैं लगा दूंगा उतर जा तू। और ये यहाँ का व्यू है। मुझे पता नहीं था ये ट्रिप इतनी एडवेंचरस होने वाली है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। और अभी हम रास्ता ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि खेतों की तरफ चलते हैं और मुझे लगता है कि ये वाला रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा। घर में जा रहे हैं जहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। यही है रास्ता जो दिख रहा है। पहले खतरा मुझ पर आएगा। ये है कंडाली। कंडाली क्या क्या होता है? ये यहाँ से है क्या?
आंटी ला रही है, ला रही है, ला रही है। ये खोल दें इसे। अरे ये तो लद्दाख की याद दिला रहा है। हाँ, ये ना ये वाला कमरा नहीं है पंखे। हाँ। इसमें तो वो बोलते हैं इसको आला, आला टाइप कहते हैं इसको, मंदिर का आला टाइप कुछ बोलते हैं इसको। ये मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं। यहाँ पे मौसम अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, यहाँ पे हवा चल रही है। ये मुक्तेश्वर का सबसे टॉप पॉइंट है, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है जहाँ पे अभी हम हैं। थोड़ा किचन का भी मुआयना कर लेते हैं कि किचन कैसी है, और कह रहे हैं कि किचन भी बड़ी अच्छी है यहाँ की देखने में। अभी अंधेरा हो रहा है, लाइट जलानी पड़ेगी। लकड़ी क्या है ऊपर छत है ना, सर लकड़ी की है पूरी। एकदम परफेक्ट किचन, मजा आएगा। यहाँ की छत और इस छत से नज़ारा, छत से नज़ारा है नैनीताल, मुक्तेश्वर, हल्द्वानी, सब यहीं है, स्वर्ग। Yeah.